हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद MSA। आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी की समरी देखने वाले हैं कि जिसका टाइटल है अ शैडो, जो लिखी गई थी इंडियन राइटर R.K. नारायण द्वारा। समरी की शुरुआत करने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ डिटेल्स देखें। हमारे जो राइटर हैं R.K. नारायण, उनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में चेन्नई में हुआ था और उनकी डेथ 13 मई 2001 को चेन्नई में हुई थी। राइटर के कुछ फेमस वर्क्स देखें तो सबसे पहले है मालगुडी डेज, जो 1942 में पब्लिश की गई थी, और आज की जो हमारी स्टोरी है अ शैडो, वो मालगुडी डे में से ली गई है। उसके बाद है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1935 में पब्लिश हुई थी। द गाइड 1958, द इंग्लिश टीचर 1945, और अंत में है द डार्क रूम, जो 1938 में पब्लिश की गई थी। आज की जो हमारी स्टोरी है और शेडो, इसमें मुख्य दो पात्र हैं, शंभू और उसकी माता। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि शंभू के पिता की मौत हो चुकी है, जो एक एक्टर थे, और उनकी मौत के 6 महीने बाद उनकी एक मूवी रिलीज़ होती है कि जिसमें उन्होंने काम किया था। तब शंभू अपने पिता की मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, पर उसकी माता इससे खुश नहीं है। वो चाहती है कि डायरेक्टर इस मूवी को वापस ले ले, यानी कि उसे रिलीज़ ही ना करें। इस कहानी में शंभू और उसकी माता अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि शंभू के पिता की फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है और वो अपनी माता से डिमांड कर रहा है कि कल फिल्म देखने जाने के लिए तुम्हें मुझे 4 आना देना ही होगा। उसकी माँ एकदम से हड़बड़ा जाती है। उसे लगता है कि ये मूवी कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, ये मूवी कैसे रिलीज़ हो सकती है। उनके हस्बैंड की मौत तो 6 महीने पहले ही हो चुकी है, वो अपने पति को 6 महीने पहले ही खो चुकी है। लोग ये जानते हुए भी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस मूवी को देखने कैसे जा सकते हैं भला। उसे लगता था कि प्रोड्यूसर को उसकी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि शंभू की माता की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस मूवी को रिलीज़ नहीं करना चाहिए। पर थोड़े दिनों बाद उस मूवी की एडवर्टाइजमेंट बैंड और पोस्टर्स के साथ होती है। तब शंभू की माता थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर न निकलने का निश्चय करती है, पर आखिरकार वो मूवी रिलीज़ होती है। अब उसके हस्बैंड यानी कि शंभू के पिता दिन में 6 घंटों तक चलने फिरने और गाने वाले थे, हकीकत में उनकी मौत हो चुकी है, पर फिल्म के माध्यम से वो अभी ज़िंदा है। जो उन्होंने 6 महीने पहले फिल्म में काम किया था वो अभी रिलीज़ होने वाली है, तो फिर से उन्हें चलता फिरता गाता बताया जाने वाला था। शंभू बहुत खुश हो गया था क्योंकि अब उसके पिता मानो मूवी के माध्यम से वापस ज़िंदा होने वाले थे। वो अपनी माँ को कहता है कि माँ, आप नहीं चलती मूवी देखने। उसकी माँ मना कर देती है, पर शंभू फिर भी उसे आने के लिए कहता है। वो अपनी माँ को मूवी देखने के लिए ज़िद करता है, पर उसकी माँ कहती है कि अब अपने पति को वापस से ज़िंदा पर्दे पर देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तब शंभू कहता है कि आप हर रोज़ घर में लगाई हुई उनकी फ़ोटो देख सकती हैं, तो फिर उन्हें पर्दे पर क्यों नहीं देख सकती। तब वो कहती है क्योंकि वो फ़ोटो बोलती नहीं, हिल नहीं सकती या तो गा नहीं सकती। शंभू कहता है कि फ़ोटो ये सब नहीं कर सकती, फिर भी आप उसे देखना पसंद करती हो, तो फिर पर्दे पर क्यों नहीं। शंभू अपनी माँ को बहुत समझाता है, पर फिर भी वो उसे मना कर देती है। दूसरे दिन शंभू अपने स्कूल जाता है, तब वह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था। क्लासरूम में जब भी टीचर की नज़र उससे हटती तो वो अपने बैचमेट यानी कि अपने किसी फ्रेंड से धीरे से कहता, मेरे पिताजी को इस मूवी में काम करने के 10,000 रुपये मिले थे, मैं आज शाम को वो मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम भी आ रहे हो ना। तब उसका फ्रेंड कहता है, कौन सी, कुमारी मूवी, यानी कि जो मूवी रिलीज़ होने वाली थी उसका नाम कुमारी था। वो पूछता है कि कुमारी मूवी देखने के लिए। हकीकत में उसको यानी कि उसके फ्रेंड को तमिल मूवी से नफरत थी। वो कहता है कि मैं उस तरफ से गुजरूंगा भी नहीं, यानी कि जिस तरफ थिएटर है मैं वहाँ से गुजरूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे तमिल मूवी से नफरत है, मैं उसे नहीं देखना चाहता। शंभू कहता है कि ये दूसरी तमिल मूवीज़ की तरह नहीं है, मेरे पिताजी हमें इस फिल्म की स्टोरी हर रोज़ रात को पढ़ के सुनाते थे, मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन्होंने पूरी स्टोरी खुद ही लिखी है, उन्हें कहानी लिखने और एक्टिंग करने के 10,000 रुपये मिले थे, अगर तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पर उसका फ्रेंड कहता है कि
कि मैं तमिल पिक्चर देखने नहीं आऊँगा। शंभू उसे समझाता है कि ये जैसी तैसी तमिल पिक्चर नहीं है, वो इंग्लिश पिक्चर की तरह ही बहुत अच्छी है। पर शंभू का फ्रेंड अपनी बात पर डटा रहता है और शंभू को अकेले जाना पड़ता है। इस तमिल मूवी को कुछ अलग तरीके से नई स्टाइल में बनाया गया था। इसमें मॉडर्न स्टोरी को मिनिमम म्यूजिक के साथ प्रस्तुत किया गया था। ये फिल्म एक नौजवान लड़की के जिसका नाम कुमारी था उसके बारे में थी। ये लड़की 14 साल की उम्र में शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती थी, पर उसके पिता उसके खिलाफ थे, यानी कि वो उसे पढ़ाई करने के लिए मना कर रहे थे, पर मूवी के अंत में वो मान जाते हैं। अब शंभू जो कि 4 आना क्लास में बैठा हुआ था, वो बड़ी ही उत्सुकता के साथ पिक्चर शुरू होने का इंतज़ार कर रहा था। पिछले 6 महीनों से उसने अपने पिता को नहीं देखा था और वो उन्हें घर पर भी बहुत याद करता था। तभी थिएटर के हॉल में अंधेरा हो जाता है, मूवी स्टार्ट होती है। उसके बाद उसके पिता स्क्रीन पर आते हैं। उन्होंने धोती और शर्ट पहना हुआ था जैसे वो नॉर्मली घर पर पहना करते थे। तभी एक छोटी लड़की आती है, उसके पिता उसकी पीठ थपथपाते हैं और उससे बात करते हैं बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से वो शंभू से बात किया करते थे। उसके बाद वो उसे एरिथमेटिक पढ़ाते हैं। उस लड़की ने स्लेट को अपने घुटनों पर रखा हुआ है, उसके पिता उसे सब समझा रहे होते हैं। वो लड़की स्लेट की पेन को चबा रही होती है। उसके पिता उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुमारी अपने काम पर ध्यान दो। तभी शंभू धीरे से कहता है कि जल्दी कुछ बोलो वरना तुम्हें तमाचा पड़ जाएगा, मैं उन्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। पर कुमारी शंभू से अच्छा एरिथमेटिक जानती थी, वो प्रश्न का सही उत्तर देती है। उसके पिता खुश हो जाते हैं। जब शंभू किसी प्रश्न का सही उत्तर देता था और जिस तरह से वो खुश हो जाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से वो खुश हो जाते हैं। शंभू को ये सब देखकर अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो अपने पिता के साथ बिताई हसीन पलों को याद करने लगता है। जब फिल्म एंड होती है और लाइट्स ऑन होती है तो शंभू पीछे घूमता है और प्रोजेक्शन रूम की तरफ देखता है, मानो जैसे कि उसके पिता वहीं कहीं गुम हो गए हो। वो अपने पिता को याद करता है। अब उसे अपने पिता के बगैर खालीपन महसूस हो रहा था। वो जल्दी से घर आ गया। उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कहती है कि 9 बज रहे हैं, तुम बहुत लेट हो चुके हो। शंभू कहता है कि अगर पिक्चर और भी लंबा चलता तो भी मुझे देखना अच्छा लगता, यानी कि अगर मूवी इससे भी ज़्यादा लंबा चलता तो भी मैं उसे पूरा देखता। शंभू अपनी माता से कहता है कि तुम भी मूवी देखने क्यों नहीं चलती। वो डिनर के वक्त भी उस फिल्म के बारे में बात किए जा रहा था। वो कह रहा था कि पिताजी बिल्कुल ऐसे ही गा रहे थे जैसे पहले गाया करते थे, उनकी चाल भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी माँ चुपचाप ये सब सुने जा रही थी। तब शंभू कहता है कि माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं। उसकी माँ कहती है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। शंभू पूछता है क्या आपको फिल्म पसंद नहीं। उसकी माँ जवाब में कुछ नहीं कहती, पर उल्टा वो उससे पूछती है क्या तुम कल फिर से उस फिल्म को देखने जाना पसंद करोगे। शंभू कहता है कि हाँ माँ, अगर पॉसिबल हुआ तो जब तक शो चलेगा तब तक मैं उसे देखने जाऊँगा, क्या तुम मुझे हर रोज़ 4 आने दोगी। उसकी माँ हाँ में उत्तर देती है। शंभू पूछता है क्या तुम मुझे हर रोज़ 2 शो देखने जाने दोगी। तब उसकी माँ मना करती है और कहती है कि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर होगी। शंभू फिर से अपनी माँ को फिल्म देखने आने के लिए कहता है, पर वो फिर से मना कर देती है। एक हफ्ते तक वो हर रोज़ दिन में 3 घंटे फिल्म के माध्यम से अपने पिता की कंपनी में जीने लगा, यानी कि वो हर रोज़ अपने पिता की फिल्म देखने जाता और अपने पिता को दिन में 3 घंटे तक ज़िंदा देखता, और हर शो के बाद वो डिप्रेस हो जाता था। हर रोज़ उसके लिए जुदाई के समान था। वो अपने पिता से मिलता और मूवी के अंत में वो उनसे बिछड़ जाता। वो नाइट शो भी देखना चाहता था, पर उसकी माँ स्कूल लेसन्स की वजह से उसे मना कर देती थी। समय मूल्यवान है, पर उसकी माँ समझ नहीं रही थी। लेसन्स के लिए वो वेट कर सकता था, पर अपने पिता के लिए नहीं। इसलिए जो लोग रात को शो देखने जाते थे उससे वो ईर्ष्या करने लगा था कि इन्हें रात को शो देखने जाने मिल रहा है पर मैं नहीं जा पा रहा। शंभू बार बार अपनी माँ को फिल्म देखने आने के लिए कहता था और आखिरकार उसके इतना कहने के बाद उसकी माँ आखिरी शो के लिए मान गई। वो दोनों नाइट शो देखने के लिए गए। उसकी माँ वुमेन्स क्लास में बैठी, वो अपने अंदर की सारी ताकत को जमा करके फिल्म देखने के लिए बैठी थी। जब तक एडवर्टाइजमेंट और ट्रेलर दिखाया जा रहा था तब तक उसे एक तरह की राहत थी, पर जब फिल्म स्टार्ट हुई तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसके हस्बैंड फिल्म में अपनी पत्नी से बात कर रहे थे
अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, चल रहे थे। उन्होंने सेम क्लोथ्स पहने हुए थे कि जैसे वो घर पे पहना करते थे। उनकी आवाज़, उनका गुस्सा, उनकी खुशी, सब कुछ देखकर शंभू की माँ अपनी पुरानी बातें याद करने लगी। इन सब का उन पर असर होने लगा। उसने, यानी कि शंभू की माँ ने, फिल्म के दौरान कई बार अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिल्म के कई सीन्स को देख नहीं पा रही थी, पर यह फिल्म उसे मोहित कर रही थी, मुग्ध बना रही थी, और साथ ही साथ ये सब चीज़ें उन्हें दुखी भी कर रही थी। फिल्म आगे बढ़ने लगी। फिर एक सीन आता है कि जिसमें वो चेयर में बैठकर, यानी कि शंभू के पिता के, जिन्होंने फिल्म में रोल किया है, वो चेयर में बैठकर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये देखकर शंभू की माँ को सब याद आने लगता है कि उन्होंने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में उन्हें, यानी कि शंभू के पिता को, ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा था, और कई बार उन्होंने न्यूज़पेपर के लिए उनसे झगड़ा भी किया था। उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी डिनर के बाद अपनी कैनवास चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ये देखकर उन्होंने, यानी कि शंभू की माँ ने, उन पर गुस्सा किया था और उन्हें गुस्से में कहा भी था कि तुम और तुम्हारा न्यूज़पेपर। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। पर फिर बाद में जब उन्होंने देखा तो वो अपनी चेयर में मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनके चेहरे पर न्यूज़पेपर शीट थी, यानी कि उनका चेहरा न्यूज़पेपर से ढंका हुआ था। फिल्म का ये सीन उनके लिए असहनीय था, यानी कि बर्दाश्त से बाहर था। उनके मुंह से सिसकारी फूट पड़ी। शंभू, जो कि पुरुषों के विभाग में बैठा था, उसे ये न्यूज़पेपर वाला सीन देखना अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ये मूवी पहले भी देखी हुई थी। उसे पता था कि मूवी में आगे क्या होने वाला था। वो एक सीन के इंतज़ार में था कि अभी वो लड़की आएगी और पिताजी से पूछेगी कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तब उसके पिता उसे डांटेंगे और कहेंगे कि कुमारी, तुम यहाँ से जा रही हो या मैं तुम्हें यहाँ से निकालूँ। उस लड़की को पिताजी के साथ कैसे बात की जाती है वो पता नहीं था, और शंभू को ये पसंद नहीं था। शंभू इस सीन का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे वुमेन्स क्लास से किसी के सिसकने की आवाज़ आती है। वहाँ से पैर खुरचने और रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी शो को बीच में ही रोक दिया जाता है और लाइट्स ऑन की जाती है। लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे, सब अपनी सीट पर खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। तभी शंभू भी देखने के लिए खड़ा होता है। वो देखता है कि उसकी माँ को फ्लोर पर से उठाया जा रहा था। वो घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ है उन्हें, क्या हुआ है मेरी माँ को। तब भीड़ में से कोई उसे बताता है कि वो सिर्फ बेहोश हुई है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। बात को बड़ा मत करो, यानी कि बात का बतंगड़ मत बनाओ। वो सब लोग उन्हें बाहर ले गए। उसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी गई और लोग वापस से अपनी सीट्स पर बैठ गए और शो को फिर से शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ होश में आती है और कहती है, चलो बेटा घर चले। फिर वो दोनों घर जाने के लिए जुटका बुलाते हैं। जुटका एक प्रकार का वाहन है जिसे हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं। जब शंभू गाड़ी में चढ़ रहा था तब उसके कानों में थिएटर में से आने वाली एक आवाज़ टकराती है, कुमारी तुम खुद बाहर जाती हो या मैं तुम्हें निकालूं। ये सुनते ही शंभू का दिल बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। एक तरफ उसकी माँ की हालत थी और दूसरी तरफ अपने पिता से आखिरी बार मिलने का दुख था। ये दोनों ने उस पर असर डाली थी। वो अपने पिता से आखिरी बार बिछड़ रहा था क्योंकि थिएटर में कल से पिक्चर चेंज होने वाली थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।